सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फाइनली बात करेंगे हिमालय कंपनी के अश्वगंधा टैबलेट्स के बारे में। सो गाइस, ये जानेंगे कि हिमालय अश्वगंधा टैबलेट्स के यूज़ क्या होते हैं, इसका डोज क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इसका प्राइस क्या होता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि मैं हिमालय कंपनी के इस प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ऐसी जानकारियाँ लेकर आता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम फाइनली बात कर लेते हैं कि अश्वगंधा है क्या। दोस्तों, अश्वगंधा की बात की जाए तो अश्वगंधा एक जड़ी बूटी होती है जिसे हमारे भारत में जिनसेंग नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अश्वगंधा का जो हिंदी अभिप्राय होता है वो घोड़े जैसी महक होता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, जब हम इस जड़ी बूटी को निकालते हैं तो उस समय इसमें से एक अजीब सी महक आती है, जिस कारण इसका नाम जो है अश्वगंधा रखा गया है। बात की जाए दोस्तों अश्वगंधा टेबलेट के यूज़ के बारे में, तो इसका यूज जो है बहुत सारे डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि किसी पेशेंट को यौन इच्छा की कमी हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे और दोस्तों, यदि किसी पेशेंट को स्वप्न दोष हो जाते हैं या फिर किसी पेशेंट को नाइट फॉल्स होते रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आप हिमालय कंपनी के अश्वगंधा टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल होता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ जैसे कि किसी पेशेंट के वीर में स्पर्म लेवल कम हो गया, स्पर्म काउंट कम है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी इफेक्टिवल होता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ जैसे कि किसी पेशेंट को तनाव रहता है, उसको जो है शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी है, तो ऐसे पेशेंट भी बेसिकली इसका यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिवल होता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ जैसे कि कुछ हार्ट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, उनके जो है उनका हार्ट कमज़ोर होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो और हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट के लिए भी ये काफ़ी यूजफुल होता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ जैसे कि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, उसका जो है शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो ऐसे पेशेंट भी इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं और यह काफ़ी इफेक्टिवल मेडिसिन होती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ इसका यूज़ जो है बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है, जैसे कि अपने बॉडी के एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, और कुछ लोग इसका यूज जो है अपने दिमाग की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे कि दिमाग तेज़ करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, और ऐसी कंडीशन में भी यह टैबलेट जो है काफ़ी यूजफुल होता है और काफ़ी जो है अच्छा वर्क करता है। बात की जाए दोस्तों इसके प्राइस के बारे में, तो यह मार्केट में आपको 160 या फिर 65 रुपये में मिल जाता है। और दोस्तों, जब आप इसे परचेज करते हो तो एक डिब्बी में मिनिमम इसमें 60 गोलियां होती हैं। बात की जाए दोस्तों इसके यूज़ के बारे में, तो इसका यूज जो है आप दो दो गोली सुबह शाम ले सकते हैं। यदि इसका आप यूज़ करते हो तो दो दो गोली, यदि आप इसे दूध के साथ लेते हो तो दूध के साथ लेना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और दोस्तों, कुछ लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं कि सर, जब मैं इसका यूज करना शुरू कर देता हूँ तो मैक्सिमम अश्वगंधा टैबलेट्स हमारे बॉडी में कितने दिन बाद वर्क करना चालू कर देता है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जब आप इसका यूज करना चालू कर देते हो तो मैक्सिमम एक हफ्ते या फिर डेढ़ हफ्ते बाद इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि सर, इसका यूज जो है मैं एक महीने कर सकता हूँ या फिर दो महीने कर सकता हूँ या फिर 3 मंथ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इसका यूज आप एक महीने भी कर सकते हो, दो महीने भी कर सकते हो या फिर 3 मंथ रेगुलरली कर सकते हो। इससे जो है आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि सर, इसके जो है बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अश्वगंधा टेबलेट्स जो है प्योर जड़ी बूटी से बना हुआ एक प्रोडक्ट है और इसके साइड इफेक्ट आज तक किसी पेशेंट में देखने को नहीं मिले हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो बेसिकली आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।